हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और राखी बनाने जा रहे हैं जो पिंक कलर के एंकर के थ्रेड से बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें ये गोल्डन बड़े मोती चाहिए और ये एक वाइट है मीडियम साइज़ के, एक इसके बीच वाला साइज़ मैं दिखाती हूँ आपको, वो वाला चाहिए। एक ये है मीडियम सा साइज़ है, बड़ों से छोटा है थोड़ा सा और ये छोटों से बड़ा है। हमें तीन साइज़ के मोती चाहिए, गोल्डन और ये बड़े वाले मोती एक साइज़ के लगभग, ये छोटे हैं और ये मीडियम साइज़ के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंकर का थ्रेड हमें जितनी लेंथ थी हमने ले लिया है और इसमें हमने जो हमारी नीडल्स हैं बारीक तुरपाई वाली नीडल्स हमने इंसर्ट की हैं, क्योंकि बीच में हमारे बारीक वाले मोती भी आएंगे। तो ये मैं इसको पहले यहाँ पर चिपका लेती हूँ। ये मैंने तुरपाई वाली नीडल्स इसके साथ इस तरीके से अटैच कर दिया कि ये निकले नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एक जो बड़ा वाला वाइट कलर का मोती था वो वाला हम दोनों में से निकाल लेंगे, दोनों नीडल्स में से, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इस साइड हमारे जो मीडियम साइज़ के हैं तीन मोती हम डालेंगे, एक दो और ये तीन, तीन मोती इस साइड हमने डाल लिए हैं। इस साइड हम जो बिल्कुल छोटे वाले हैं वो सात मोती ले आएंगे। ये देखिए मैंने सात मोती डाल लिए हैं। सात मोती डालने के बाद जो हमारा गोल्डन बड़ा मोती है अब उसको हम इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और इसको लास्ट में ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये यहाँ पे लूप बनेगा एक। उसके बाद पहले हमने इस साइड बड़े मोती डाले थे, इस साइड छोटे डाले थे, अब हम इसको साइड चेंज कर लेंगे। बड़े मोती इस साइड डालेंगे, एक दो और ये तीन, तीन मोती इस साइड हमने बड़े डाल लिए हैं। और इस वाली नीडल में हम उसी तरीके से सेवन मोती, जो इसको हमने लूप बनाना है, थोड़ा सा ढीला छोड़ देना है ये वाले को और इसको थोड़ा सा खींच के इस तरीके से ताकि ये लूप अच्छे से दिखाई दे। इस साइड मैं सात मोती बारीक डाल लेती हूँ, ये हमने सेवन मोती इधर भी डाल लिए हैं। अब फिर से हम एक गोल्डन मोती को ले आएंगे। गोल्डन मोती मेरे पास तो थोड़ा सा प्लेन था, अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर है या कोई कलरफुल है तो आप वो भी डाल सकते हो। और ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमने डाल लिया है। इस तरीके से मैं ये मोती डालते हुए थोड़ा सा डिज़ाइन आगे कंटिन्यू करती हूँ। इस वाले मोती, इस वाले से आपको समझ आ जाएगा कि एक बार हम बड़े इस साइड डाल रहे हैं, एक बार इस साइड, फिर इस साइड, इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे इसको, हमारे डिज़ाइन को। आप जितने ही लेंथ इसकी चाहो, बच्चों के लिए चाहते हो तो बच्चों की कलाई के लिए इतना डिज़ाइन बहुत रहता है। यहाँ पे आप फिर ऑफ वाइट, जो हमारा ये बड़ा वाला वाइट था वो डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा और दो आपको डिज़ाइन डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना डिज़ाइन बना लिया है और लास्ट में जैसे हमने फर्स्ट में एक वाइट ऑफ वाइट वाइट कलर का मोती डाला था, उसी तरीके से हम लास्ट में इसमें भी वाइट डाल देंगे और हमारे इस वाले को नॉट लगा देंगे यहाँ पर ताकि ये मोती निकले नहीं, सिक्योर हो जाए। थोड़ा सा खींच के ही लगाएँगे नहीं तो ये जिगजैग वाला पैटर्न हमारा बिगड़ जाएगा। मैं ये नॉट लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ नॉट लगा के सिक्योर कर दिया है और इसके जो हम डोरी है इक्वल करके थोड़ी सी कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। ये देखिए बहुत ही प्यारी राखी बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।